दोस्तों आज हमारे पास है क्रॉसबीट की तरफ से आने वाले उनके लेटेस्ट बजट कैटेगरी के TWS क्रॉसबीट्स एटम। दोस्तों ये अभी लॉन्च हुए हैं, तो इस वीडियो में हम करेंगे इसका डिटेल रिव्यू और इसकी अनबॉक्सिंग। वैसे मैं इन्हें पिछले 3-4 दिनों से यूज कर रहा हूं, तो मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही इनके सभी फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, प्रोज एंड कॉन्स और प्राइस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है क्रॉसबीट्स एटम का बॉक्स, सामने की तरफ इसकी ब्रांडिंग देखने मिलती है। वैसे ये हाफ इन ईयर TWS होने वाले है। बॉक्स के पीछे इसके सभी हाइलाइटेड फीचर्स दिए गए हैं, जिन्हें आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वैसे भी हम आगे वीडियो में इन्हें डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें मिलता है वेलकम कार्ड, इसके यूजर मैनुअल का QR कोड, जिसे स्कैन करके आप इसके यूजर मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही 3 महीने का गाना ऐप का सब्सक्रिप्शन और एडिशनल 6 महीने की वारंटी, जो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद TWS की केस और यही बाहर ही TWS भी मिलते हैं, तो फिलहाल इन्हें साइड में रखते हैं। इसके अलावा एक एक्सेसरीज का बॉक्स भी दिया गया है, जिसमें एक टाइप सी चार्जिंग केबल भी दी गई है। ये सारा बॉक्स कंटेंट हमें इसके साथ मिल जाता है। तो ये है क्रॉसबीट्स एटम ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। अगर बात करें इनके फर्स्ट इंप्रेशन की, तो काफी कॉम्पैक्ट, लाइटवेट और यूनिक डिजाइन देखने मिलता है। मैंने अभी तक जितने भी TWS रिव्यू किए हैं, उन सभी में मुझे ये सबसे लाइटवेट और कॉम्पैक्ट लगे। इसके अलावा फ्रंट की तरफ हमें क्रॉसबीट्स की ब्रांडिंग मिलती है, साथ ही यहाँ पर LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं और इसके नीचे हमें एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और एक रीसेट बटन भी मिल जाता है, जो मुझे इसकी सबसे बढ़िया बात लगी। इसके साइड में ग्लॉसी फिनिशिंग टच दिया गया है, जो इसे थोड़ा प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है। वैसे इसमें और भी 2 कलर्स मिलते हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार इसका वेट भी चेक कर लेते हैं, तो ये सिर्फ 35 ग्राम्स के हैं। जैसा मैंने कहा था, काफ़ी लाइट वेट है, तो इन्हें आप अपनी जींस की पॉकेट वगैरह में भी इजीली कैरी कर सकते हैं। अगर बात करें ईयरबड्स की, तो ये हाफ इन ईयर फुल स्टेम डिजाइन के साथ आते हैं। इन पर भी ड्यूअल फिनिशिंग दी गई है, इनकी फिटिंग भी मुझे काफ़ी सही लगी, कम्फर्टेबली फिट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रनिंग और जिम वगैरह करते हैं, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बार बार इन्हें एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल यूजेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे इसमें IPX6 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है, तो नॉर्मल पानी और बारिश वगैरह में भी इजीली यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल इनकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी सही लगी। एक बार इनके सभी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन को भी देख लेते हैं, तो याद है 13mm के बड़े साउंड ड्राइवर्स, क्वाड माइक्रोफोन्स विद AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, ऑटो पेयरिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, IPX6 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, फुल टच कंट्रोल्स और वॉइस असिस्टेंट के साथ। सिंगल चार्ज में इसमें आपको 5 to 6 आवर का प्लेबैक टाइम मिलेगा और ओवरऑल केस के साथ 52 आवर्स की शानदार बैटरी बैकअप भी मिलती है। डेली अगर आप इसे 5-6 घंटे भी यूज करते हो, तब भी आपको 7-8 दिन की बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगी। वैसे इसमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी दिया गया है, तो एक बार इसकी गेमिंग टेस्ट भी कर लेते हैं। इसका गेमिंग मोड ऑन करने के लिए राइट साइड की ईयरबड्स पर 4 बार टैप करते हो, तो इसका गेमिंग मोड ऑन हो जाता है। वैसे इसके सभी टच कंट्रोल्स हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पर फ्री फायर के साथ इसे टेस्ट कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक्चुअल लेटेंसी कितनी मिलती है। तो इसमें लेटेंसी भी डिसेंट मिलती है, नॉर्मल गेमिंग के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन प्रोफेशनल लेवल की गेमिंग के लिए लेटेंसी कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा है। इसके अलावा लेफ्ट एंड राइट के सेपरेशन भी मुझे काफी डिसेंट लगे, तो ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको इसमें ठीक ठाक मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके मेन साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी की। तो इसमें 13mm के साउंड ड्राइवर्स दिए गए हैं। वैसे मैं इन्हें पिछले 3-4 दिनों से लगातार यूज कर रहा हूँ, तो साउंड क्वालिटी के मामले में मुझे इसमें कोई भी इशू नहीं लगा। HD ऑडियो क्वालिटी इसमें आपको मिल जाएगी, वोकल्स, ट्रबल्स और बेस भी बैलेंस मिलता है, फुल वॉल्यूम पर भी साउंड डिस्टॉर्शन नहीं होता और लाउडनेस भी ठीक ठाक मिल जाएगी। लेकिन बेस इसमें आपको उतना नहीं मिलता, लेकिन ओवरऑल एक डिसेंट म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके माइक क्वालिटी की। इसमें क्वाड माइक्रोफोन्स AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन के साथ मिलते हैं, तो जल्दी से इसकी माइक क्वालिटी को भी चेक करते हैं। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो, इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मेरे रूम का फैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो आप सुन सकते हैं कि किस लेवल की नॉइज ये रिड्यूस करता है। इसके अलावा इसमें आपको फुल टच कंट्रोल्स मिलते हैं, तो एक बार इसके टच कंट्रोल्स को भी देख लेते हैं। लेफ्ट और राइट में से किसी भी ईयरबड्स पर सिंगल टैप करते हो, तो कॉल पिकअप और म्यूजिक प्ले पॉज कर सकते हो, और कॉल रिजेक्ट करने के लिए आपको दोनों में से एक को 3 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करना पड़ता है। इसके अलावा दोनों में से किसी पर भी 3 बार टैप करते हो, तो इसका वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। राइट साइड की ईयरबड्स को डबल टैप करते हो, तो सॉन्ग को नेक्स्ट कर सकते हो। वैसे ही लेफ्ट पर डबल टैप करते हो, तो सॉन्ग को प्रीवियस भी कर सकते हो। वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए राइट साइड वाले TWS पर टच एंड होल्ड करना पड़ता है, और वैसे ही लेफ्ट वाले पर टच एंड होल्ड करने से वॉल्यूम को डिक्रीज भी कर सकते हो। लेफ्ट और राइट में से किसी पर भी 4 बार टैप करते हो, तो इसका गेमिंग मोड ऑन हो जाता है।
इसको रीसेट करने के लिए इसके केस में आपको एक बटन मिलता है। इसके अलावा दोनों में से किसी भी ईयरबड्स पर 5 बार टैप करते हो तो ये रीसेट भी हो जाता है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, क्या इसे लेना चाहिए या फिर नहीं। इनकी लॉन्चिंग प्राइस 1500 रुपये है जो आगे चलकर 2000 रुपये तक हो जाएगी। 1500 रुपये की प्राइस में मैं कहूँगा एक डिसेंट ईयरफोन्स है जिनमें आपको बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और फीचर्स भी ठीक ठाक मिलते हैं, तो डेफिनेटली आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी बेस वाले TWS चाहते हो तो बेस आपको इनमें उतनी नहीं मिलेगी। इनमें आपको बैलेंस ऑडियो आउटपुट मिलती है लेकिन साउंड एक्सपीरियंस डिसेंट लेवल का मिल जाएगा। अगर आप एक म्यूजिक लवर हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। वैसे इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे क्रॉसबीट्स एटम ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।